साढ़े नौ से 72 साल लोगों को डरा रहे हैं। मजहबी जो है ये अकलीतों के बड़े खिलाफ है, असि तो कोई भी खिलाफ कोई नहीं। जिसन सुहाई संभली का टिकट दिता ना लाहौर ईसाई को, और मैं जब उन्होंने अपने नाल बिठा के टोपी पवाई ना करीब सी कि कलमा पढ़ लेंदा और रोन लग पे। गल ही कोई ना आई, उन्हें कहा यार सानू तो यह डराया जाता सी मौलवी हो जाए, सानू तो अपने कद नहीं बराबर बिठाया, तू साडे बराबर बिठा दिता मैंने। और जिस कुड़ी नूं असीं दित्ता ना ईसाई नूं पिशावर च MNA दा टिकट, वह मुसलमान हो गई। उन्हें कहा असीं तां सोचा भी नहीं सी इस्लाम इह इज्जत देगा। कराची जदों हिंदुआं दे जुगियां नूं अग लगी, सब तो पहले लबैक वाले उत्थे जाके कैंप लाए, सब तो पहले उत्थे बंदियां साडे कैंप लाए, कपड़े देते, उन्होंने रोटियां दित्तियां, पानी, पूरे कराची वाले साडे कैंप ते पैसे जमा कराए, कपड़े भी उत्थे जमा कराए, बाकियां दे कैंप एवें जनाब उल्लू बोल रहे सन आ सारे उत्थे जाके लाए। गवर्नर भी पहुंच गया, गवर्नर ने साडे अमीर नूं बुलाया, यार तुहानू की साडे वल बंदा ही कोई नहीं, ऐ दुनिया तर किवें आ गई। उन्हें कहा एक ही तो गल है कि मुहम्मद से वफात होने तुसी अपने ईमान ना दसो ये ना साढ़े ना ते लैके बार जाके लोगों डरा दे। मजहबी जमाते हैं वो अकलीतों को पाकिस्तान में रहने नहीं देती। 72 साल असि इन्हों झाड़ू पकड़ाए हुए, इन्हों दो नौकरियां जो गल की दसन की करन, इन्हों मकान बना के दो। 72 साल तुहाडे कोल खजाने सन के साडे कोल खजाने सन, मुल्क तो सन लुटे ना, गरीबों नूं झोपड़ियां नहीं सन ना, उन्होंने मकान पक्के बना के दो। लाहौर जी बाबू साबू तो लैके ठोकर नाज बेग तक तुसी वेखदे हो दाएं बाएं कितनी जुगियां, और पैरस बनाण वाला और दोवें डाकू निक्का वड्डा बाहर चले गए। लाहौर दे जनाब सिर्फ नाले दे इस तरफ हो जाओ, पानी पीण वाला उत्थे चज तक कोई नहीं, 65% लोगों नूं हेपेटाइटिस हो गया। लाहौर इस तरफ जेडे बंदे रहंदे ए पैरस बनाण वाले दोवें लुट लुटा के जनाब ओ जनाब कन खड़िया ते ओ दोवें चले गए। असे साडे कोल सी लाहौर दे खजाने या पंजाब दे खजाने, इस तरफ अगे जाओ ना अद्धा तुसी बाबू साबू तो अगे ठोकर वाल अद्धा तुसी पेंडा जदों करोगे ना तो फिर जरा अपनी गड्डी दा शीशा खोलना ते जेड़ी बदबू उत्थे आंदी उत्थे सारे जुगियां वाले रहंदे। ओ असां कीता है नहीं भाई, नहीं ये गल नहीं करनी, मैं जेड़ी अगली गल करना दा ओ समझो। हां गल विच नहीं बोलना, पता सुनदा गल वड्यां दी, असीं जी बोए गल करन वाले आ, तुसीं एवें विच अपना तुरलू ना लाया करो, तुहानूं इह भैड़ियां आदतां कदों मुकणियां। हां सुनो गल, वड्डे कोल बंदा सुनना हुंदा। मैं 12 साल अपने उस्तादां दे सामने गुफ्तगू नहीं सी कीती, हां मौलवी बन के भी नहीं सी कीती। मैं कहा वड्डे जे मौजूद हन यार सानू केड़ी लोकां से इंज करना सी, इंज कर लो, कहिंदे इंज करना इंज कर लो। 12 साल मैं उन्होंने सामने तकरीर नहीं सी कीती। कोई अपने अंदर दम खम पैदा करो, असा क्या जेड़ा ए जे मौजूद हन ए जाणन इन्हां दा काम जाणे, शुक्र है वड्डे। हां हुण सानू साढ़े ते आई दा पता लगदा, हां हुण दिन नूं तारे नजर आ गए, बोझ उठाना कितना अजीब चीज हो। पहले गल सुनो, असी कोई रस्मां ने तुहाडे सामने तकरीर नहीं कर रहे, उहदे असी अमल करके तुहानूं दस्सिया। हां जी मेरा तो पूरा खानदान 4000 साल की कैद सुन के अंदर चला गया, भाई भी भतीजे भी भांजे भी जनाब चाचा जात भी मामा जात भी ते मामे भी चले गए। असी एवें बैठे हां तुहाडे सामने गल नहीं कर रहे। कहंदे मौलवी आप बातें करते अमल नहीं करते, ये तो उस मालिक का करम है, उन्हें साडी हाजरी कबूल कर ली। क्यामत तक कोई ये ते कहेगा ना यार ओदा जुर्म की सी, व्हील चेयर ते बैठ के ओदा पूरा खानदान नु हजारा हजारा साल कैद सुना दित्ती। तवज्जो भाई, ओ जुर्म है वे, जुर्म है वे कि खत्म नबूवत दा नाम क्यों लेंदे। तवज्जो भाई, ओ बात सुनो शेर, ओ बात सुनो, मेरी बात पहले आप सुने। ऐसा अच्छा असी मुल्क लुटिया, साडे होंदे खुदकुशियां होईयां 1600 पिछले साल, 1600 खुदकुशी हुई है। हुण कराची उस बंदे ने जाके कब्रिस्तान अग ला दित्ती, उन्हें कहा जी मेरे को तो रोटी कोई नहीं, बच्चे रोटी मांगते हैं, गर्म कपड़े मांगते हैं। ये तो एक गल है ना यार, तो कई ऐसे भी हैं जेड़े गए मर गए, उन्होंने सी भी नहीं की, हम लोगों के सामने की करिए, रोटी कोई नहीं कर, ये सारा कुछ लबैक वाले किया है। पाकिस्तान टेलीविजन से हमला सी किया, 124 दिन उत्थे बैठा रहा, 126 दिन उत्थे कुड़ियां सी नचाईयां जेड़ियां, और उथे करतूत करते रहे सारे बह के, असी कीते साढ़े ते मुकद्दस जवान बैठे,
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੇਖਦਾ ਮੈਂ ਕਿਤਨਾ ਨੂਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੱਥ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂਰ ਵੇਖਦਾ ਬਈ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤਨਾ ਨੂਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਜ਼ੌਕ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ੌਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਕਰੀਰ ਵਾਲਾ ਵੱਲਾ ਕਦੀ ਜ਼ਿਹਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਤਕਰੀਰ ਕਰਾਏ।